प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई गई है। मतलब कि जितने भी लोग सड़क के किनारे सब्जियां फ्रूट्स बेचते हैं या ठेला लगाते हैं या रेहड़ी वाले हैं, वो सभी लोग इस योजना के तहत आते हैं और इस योजना के तहत वो 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन की दो खास बात है, एक तो ये बिना किसी गारंटी के मिलता है और दूसरे इसमें सरकार 7% इंटरेस्ट की सब्सिडी देती है। मतलब कि बैंक इस अमाउंट पर जितना भी इंटरेस्ट चार्ज करता है उसका 7% सरकार सब्सिडी देती है, जो कि सीधे एप्लीकेंट के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस योजना के तहत ऑनलाइन लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। ये एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इस वेबसाइट पर आपको इस योजना की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसके लिए आप यहाँ नॉलेज सेंटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप योजना की गाइडलाइंस को हिंदी या इंग्लिश में रीड कर सकते हैं पीडीएफ में डाउनलोड करके। इसके अलावा जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आप यहाँ हिंदी या इंग्लिश में पीडीएफ में डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां स्कीम पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आप इस स्कीम के बारे में जान सकते हैं। सभी वेंडर्स, हॉकर्स, ठेले वाले, रेहड़ी वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 7% की सब्सिडी देगी सरकार, जो कि सीधे एप्लीकेंट के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। यहाँ अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालेंगे और इस कैप्चा को फिल करेंगे, आई एम नॉट ए रोबोट। ट्रैफिक लाइट जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो ट्रैफिक लाइट आप चूज कर लीजिए। इसके बाद वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद यहाँ रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से आपको कोई आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट जारी हुआ है तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर आपको सर्वे रेफरेंस नंबर यानी SRN डालकर सर्च करना होगा, आपकी डिटेल्स आ जाएगी, आप सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि सर्वे में आपको आइडेंटिफाई किया गया है लेकिन आपके लिए कोई सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड जारी नहीं किया गया, तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। इसमें भी आपको यहाँ डोंट हैव SRN पर क्लिक करके अपना सर्वे नंबर फाइंड करना होगा, जो कि आप यहाँ स्टेट चूज करेंगे, ULB नेम, वेंडर आईडी, कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल डाल करके आप सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने वेंडिंग वर्क शुरू किया है सर्वे कंप्लीट होने के बाद तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आपके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे, इसके बाद आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यहाँ पर अपलोड कर देना है। लेकिन अगर आपके लिए कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू नहीं किया गया तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है कि क्या आपको लॉकडाउन के पीरियड में कोई वन टाइम सहायता दी गई है, अगर हाँ तो आप इसको चूज कर लेंगे। या फिर आपको चूज करना होगा कि आप किसी वेंडर हॉकर एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा और ये कैप्चा फिल करना होगा, आई एम नॉट ए रोबोट। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना होगा। ओटीपी डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वेरीफाइड हो गया है, ग्रीन आइकन आ गया है। अब नीचे यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी होगी, सबसे पहले तो आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी वाइफ का या फादर का नेम डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है, आप सिंगल हैं तो सिंगल और अगर मैरिड हैं तो आप मैरिड चूज करेंगे। इसके बाद आपको सोशल कैटेगरी चूज कर लेनी है, आप जनरल में आते हैं, SC ST या OBC में आते हैं। नेटिविटी आपको चूज कर लेनी है, आप गांव में काम करते हैं या शहर में, तो यहां पर हम चूज कर लेते हैं अर्बन। PWD में आते हैं तो यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो इसको यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल्स देनी होगी, आप इसको चेक मार्क करेंगे। अगर आपकी कोई फैमिली है तो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे कितने फैमिली मेंबर्स हैं। जितने भी आप चूज करेंगे उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। यहाँ पर आप नाम डालेंगे, रिलेशनशिप डालेंगे, आपसे क्या रिश्ता है और एज डालेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई फैमिली नहीं है तो आप इसको अनचेक करेंगे। आपका परमानेंट एड्रेस ये आपके आधार कार्ड से ले लेगा, लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो जस्ट आप यहाँ पर टिक करेंगे।
ऊपर का एड्रेस यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस कोई अलग है तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आप हाउस नंबर या लोकेलिटी डालेंगे, स्टेट यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे, नीचे यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, यहाँ पर आप वार्ड विलेज चूज कर लेंगे, पिन कोड डालेंगे। अब यहाँ पर आपको वेंडिंग एक्टिविटी की डिटेल्स देनी होगी। सबसे पहले आप चूज कर लेंगे आप क्या काम करते हैं, जैसे कि फास्ट फूड, फूड आइटम्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स, होम डेकर्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, क्लॉथ एंड हैंडलूम आइटम्स, फ्लोर एंड पूजा आइटम, प्लास्टिक आइटम, फुटवेयर, ब्यूटी सर्विसेज, इस तरह के सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। लेकिन जो काम आप करते हैं वो अगर इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहीं पर टाइप कर सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ वेंडिंग चूज कर लेना है, फिक्स्ड लोकेशन पर आप ये काम करते हैं या फिर आप घूम घूम कर ये काम करते हैं। अगर आप घूम घूम कर काम करते हैं तो आप मोबाइल चूज करेंगे, लेकिन अगर आप किसी फिक्स्ड लोकेशन पर काम करते हैं तो आप फिक्स्ड लोकेशन चूज करेंगे। यहाँ पर आप ड्यूरेशन डालेंगे कि आप ये काम कब से करते हैं, कैलेंडर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अब क्योंकि आपने यहाँ पर चूज की है फिक्स लोकेशन तो आपको लोकेशन यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर आपको लोकेशन का पूरा एड्रेस डाल देना है, नियरेस्ट लैंडमार्क आप यहाँ पर डाल देंगे, पास में क्या है, स्कूल कॉलेज या कोई पेट्रोल पंप या कोई हॉस्पिटल, उसका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आप चूज कर लेंगे स्टेट, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, यहाँ पर आप ULB नेम चूज कर लेंगे, कौन सी म्यूनिसपालिटी आपकी लगती है, यहाँ पर आप वार्ड नंबर या गांव का नाम डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डाल देना है एवरेज मंथली सेल्स कितनी है, मतलब कि आप पूरे महीने में कितनी सेल्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी एक अमाउंट डाल देंगे जितनी आप सेल्स करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होगी जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। यहाँ पर आप ब्रांच का नेम डाल देंगे, यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे और यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। अगर आप अपनी शॉप पर डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए, यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ पर UPI ID डाल दीजिए। लेकिन अगर आप डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते तो आप इसको नो कर दीजिए। अगर आपने पहले किसी बैंक से या इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है तो आप यहाँ पर उस बैंक का नाम डालेंगे, कितना लोन है यहाँ पर डालेंगे, मंथली EMI कितनी जाती है वो आप यहाँ पर डालेंगे। लेकिन अगर आपने पहले कोई लोन नहीं लिया हुआ तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको डाल देना है आपको कितना अमाउंट चाहिए। इसमें मैक्सिमम आप 10,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में ले सकते हैं, तो आप 10,000 रुपये तक कितना भी अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि मैं 10,000 ही यहाँ पर डाल देता हूँ। एक बार आप इस लोन को लेने के बाद अगर टाइम पर पे कर देते हैं तो इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप फिर ज़्यादा अमाउंट का लोन भी ले पाएंगे। इसके बाद नीचे अगर आप चाहें तो लोकल रेफरेंसेस दे सकते हैं, जिसमें आपको दो लोगों के नाम डालने हैं, उनका मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस डाल देना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारी स्कीम्स की लिस्ट दी गई है, अगर आप इनमें से किसी स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं तो आपको उसको टिक कर देना है। अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का बेनिफिट ले रहे हैं तो आप इसको टिक करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी योजनाएं हैं, आप इनमें से जिस योजना का भी बेनिफिट ले रहे हैं आप उसको टिक करेंगे। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा, आपका फोटो आपके आधार कार्ड से ले लिया गया है, आपको फोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपना फोटो देख भी सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो जितने भी आपके आसपास में लेंडर्स हैं जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उन सबको आपकी एप्लीकेशन शो होगी और उनमें से जो चाहे आपको लोन दे सकता है। जबकि दूसरा ऑप्शन है सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रेफर्ड लेंडर। अगर आप किसी पर्टिकुलर लेंडर से लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर आप चूज कर लेंगे किससे आप ये लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। कौन सी ब्रांच से आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें मार्केट प्लेस में आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी तो सभी लेंडर्स को उनके पैनल में शो होगी, जिससे कोई भी लेंडर आपको लोन दे सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ पर एग्री करेंगे, इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपकी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाएगी और आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड किया जाता है। डन। यहाँ व्यू बटन पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं, जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की है सब आप यहाँ पर देख पाएंगे। डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ चेंज लेंडर पर क्लिक करके आप लेंडर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको HDFC बैंक से लोन चाहिए तो यहाँ पर आप HDFC चूज करेंगे।
किस ब्रांच से चाहिए वो आप यहाँ पर चूज करेंगे और सेव कर देंगे, तो फिर आपको इसी ब्रांच से लोन दिया जाएगा। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब कि आपको ये लोन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ विड्रॉ बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आप रियली अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाएगी। एक बार एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको बस वेट करना है, सभी लेंडर्स के पास आपकी एप्लीकेशन शो होगी और आपका एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा ये भी आपका लेंडर ही आपको बताएगा। जितना भी इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा उसमें 7% की सरकार आपको सब्सिडी देगी, जो कि सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।